सबसे पहले इस महफिल के मेज़बान मेरे भाई मेरे बुजुर्ग साहब हसन शाह साहब चौधरी अफ्ताब साहब आलिम सोर साहब चौधरी अरशद साहब और पंडाल में मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने ये जो बेहतरीन मीटिंग का इनकाल किया आशिक साहब यासीन साहब निजाब साहब और जितने लोगों ने मीटिंग को कामयाब करने में मेहनत की मेम्बर शरीफ साहब आप सब का अपनी दिल की गहरे से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने जितनी इज्जतों से नवाजा अल्लाह के हुक्म से तक तक जिंदगी है अपनी इज्जत को पहुँचा करूँगा इंशाअल्लाह। आफ्ताब साहब ने और दूसरे तरीन ने बड़ी दस बातें की ये मुझे अंदाजा है कि आप यहाँ के घंटों से बैठे हुए हैं इसलिए मैं चंद बातें जरूर करना चाहता हूँ। चौधरी आशिक साहब से मेरे कल आप लोग जानते भी नहीं चाहे ये अभी का नहीं है ये दो चार साल का नहीं है। आशिक साहब हमारे बड़े भाई हैं बेजाम इस्लामाबाद में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया तो मैंने भी अपनी पढ़ाई खत्म करके वहाँ कारोबार शुरू किया। इस्लामाबाद का अब्दू एरिया इलाका था जहाँ ये भी काम करते थे हमने भी अपना कारोबार शुरू किया था। बड़े नफीस और शरीफ आदमी है मेरी आदत नहीं है कि मैं बेवल जाऊँ उनके तारीफें करूँ जब भी इनसे मुलाकात हुई उनके असल में दोस्ती और कारोबार हमारे वालदैन के साथ था लेकिन इनके जब कभी बड़ी शक्कत से मिले बड़े प्यार से मिले बड़े अच्छे इंसान और समाजी वर्कर हैं। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं ऐसा इंसान का तल्लुक जो है वो आपके इलाके से जो बेशक कारोबार की वजह से बात में रहते हैं लेकिन अपने लोगों का बड़ा खास प्यार रखते हैं। आज ये जब अल्लाह ताला ने नवाजा हो फिर बंदे को अपना दिल रसीद कर रखा मैं आशिक साहब के सलाम पेश करता हूँ। जब भी इन्होंने मुझसे बात की तो अपने लोगों के मसाइल के बारे में बात की अल्लाह ने बड़ा खुश किया है इन्हें जाती तौर पर चाहिए आज इनके बेटे की कोई खुशी माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे बच्ची दे। आदि बालक साहब मेरे बुजुर्ग और एक और जबरदस्त शख्सियत उनमें तो हमने खुद यहाँ महीना दो महीने से शुरू की भी है लेकिन आदि साहब ने मेरी कंपनी तकरीबन डेढ़ दो साल से शुरू की हुई है। हम मुकम्मल रास्ते में उस वक्त भी और आज तक भी आदि साहब ने अपने फोन पर ऐसी कंप्लेन जारी रखी वहाँ से परेशान नहीं करते थे कि जहाँ जहाँ जाना है किससे मिलना है। मैं समझता हूँ कि आज हमारी कंप्लेन हमारा काफिला जितना मजबूत है हमारे काफिले में शामिल होने का फैसला किया उस वक्त से हमारे काफिले को ऐसी कोई चढ़ाई थी जिसकी मिसाल नहीं थी कि चौधरी आफ्ताब से बिल्कुल ठीक था। आपके फैसले के बाद ही रियाद में ये बात शुरू हो गई कि इन शाह तला इस तरह से तेरे के हिसाब किए मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ बात मसाइल की हुई मगर बात मसाइल की भी करता हूँ। मैं हमेशा ये बात करता हूँ क्या वजह है कि गुजरात के लोग जो भी मोहम्मद यूसुफ साहब को वाला जनरल सीख रहे हैं उनको याद करते हैं उसकी वजह यह है
लेकिन अल्लाह का कर से सख्त काम के बुरा हाल आता है इंसान को अच्छा बन गया लगता है। ये 10 साल हमारे लिए बुरे और सख्त काम था। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो काम काज किए वो अपने महदूद मसाइल में महदूद बजट में किए। आज आजाद कश्मीर की हुकूमत को अरबों रुपए का बजट है, करोड़ों रुपए का बजट है इंडिया के लोगों के लिए। लेकिन हाल ये है कि अभी मैं स्टूडेंट से आया हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ, आपका तो यह हाल है शुमाली इलाकों में जाए तो आप हैरान रह जाए। मैं बात अगर करूँ प्यारी के रोड की, बात करूँ गुना से ऊपर जाती हुई रोड है, फलों की रोड की बात करूँ, कनेर के नाले की बात करूँ, कजूर की रोड की बात करूँ, ठारा की रोड की बात करूँ, और ये जो वजीर मसरूफ कहते हैं कि जिस भी रोड मिली ना वो रोड तक कड़ी मैं तो दिल्ली तक ले आ मैं कह रहा हूँ इस रोड को छोड़ो ये जड़े में मां के दे रहा ये रोड से जितना अगर कोई बंदा इज्जत ना आए तो आने के लिए कक्षा करना है। इतना बुरा हाल इस हाल को दोबारा कितना इतना बजट के बाद बना गया बाद हो रहा है कितना और नहीं मिली थी तो नेहर ने कहा था कि नेहर का पुलिस स्टेशन कितने के जितने दो चार बड़ा पुलिस लेकिन ना लोगों ने आदत तो ने यहाँ पड़ा मैं बरसात कल भी सस्ते के लिए 10 रुपये सी गया। मैं आपने अपन साल डेढ़ साल हो गया तक और साफ और मौसम से जो बातें से जुड़े था मैं अल्लाह के आदर नजर रखता मैं आपका किया मछलियाँ पड़ता उन्होंने मरत में रस्सी पाई दिखा रहे हो तो मजबूरी से सदा लो अगर बीमारी की परेशानी आई त्रै त्रै चार चार धड़े वो इलाका पूरे इंडिया में चढ़ गया 2021 चल रहा है कोई पैसे की कमी नहीं आपने करप्शन करप्शन क्या है एक करप्शन है कि जिसमें आपके अफसरान पे जिसे रोड जुड़े था जिसे पायवता हुआ है जिन्ना हो रहा है जिसे अपना सामना छोड़ता है बना रहा है करप्शन है और एक करप्शन इस सुंदर की मसूद मालिक का थी अस्पताल में आ रहा था वो आपके पैसे क्या था मिलियन में आ रहा था वो असर लोग मजबूर हैं पिंडी और बिपर जाना पसंद इन्हें चिकित्सा पता कि गरीब इंसान में कार ना ना खास तरह परेशानी बीमारी आई है तो कुदरत है वो तो बेचारे चिकना की बना के खुदा उसे दो से चार लाख पैसे तक दिए जाए इन्होंने अपने इलाज में तेरे पता सकता है पैसे में जिक लैंड कर देते कि गरीब पता तो क्या सकता गलत है दुनियाल ने मैं कहता तालीम ने इलाज कि कोई स्कूल कोई कॉलेज की बिल्डिंग ना 5 साल से ज्यादा नहीं बनाई इन्हें पता है कि तालीम में जितने कोई इंटरेस्ट व्यासर के बच्चे बच्चियां कोई सरकारी स्कूल 80% सरकारी स्कूल का जिसमें साइंस की तालीम को लेकर दी जाए आज साइंस ना 50% बच्चियां तो किस तरह मुकाबला कर सकते मान लेते हैं वजीर मसरूफ को तो कभी भी लोग गेम से खेलते हैं यूनिवर्सिटी ने पारे का रिक्वेस्ट है मैं उनका जो स्लाम पास कर पेश करना कि 5 सालों में पूजा किस तरह गई उसकी आना है क्या यहाँ कोई बता दे ना ये जो बड़ी जैसे कि आपने बच्चे से बच्चे एक रुपये जेल में क्यों रखा जाएगी पड़ी इंशाल्लाह ताला ने तो कुम होया यूनिवर्सिटी कैंपस भी बंद सी इंशाल्लाह ताला इस ताला की हालत ठीक हो सी स्कूल और कॉलेज की हालत ये ताला की हालत ठीक हो सी असा वो है नजाम आंसान निकाले जो ना चौथी मोहम्मद यूसुफ साहब ने नाम दिया था अल्लाह ने बड़ा शुक्र है कि 17 यूनियन काउंसिल आए जो शहर जिला पाकिस्तान करके साथ बहुत अच्छे इसकी वजह से कुछ सब हो इसकी वजह वो लोग हैं जैसे कि काम में शामिल हुए वो लोग हैं जो पिछले 5 साल से इस काम में शामिल हैं बड़ा बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आजकल लोग और लोगों ने शायद सोच लिया है कि नवे शहर के पुराने पीछे हट गए सब तो नवे ने सोच लिया ऐसा ऐसा तो शहर से वो इज्जत ना मिला कर सकते सब काम काफला अल्लाह का दुना मिली नहीं मिलता ऐसा इंशाल्लाह ताला बड़ी खुशी की बात हुई कल जबर साहब वापस से काफले शामिल हुए भाई ने कहा इत्तेफाक हुई जिन्हें 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 लोगों का नाम कि देखे उसे इस बात बात भी कहा और भी तो सब बड़ी कोशिश की थी जिसने ऐसा कामयाब हुआ भाई ऐसा इंशाल्लाह ताला उसकी इज्जत उसे तरह से काफी लोगों ने मिली कल यह है कि प्रोपेगेंडे करने लगे इन्हें लगता है मैं प्रोपेगेंडा करता हूँ उसी की जाएगा कि आप सामने सियासी निदान जो निश्चित कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ने कहा या कोई कीड़े पैर
ਹੋਏ ਉਪਰੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੁੱਟੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਮਲੇ ਹਸਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਛੋੜੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦੂਏ ਲਗਾ ਤਾ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਏ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੱਕਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਏ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਆਸਾ ਨੂੰ ਕਾਮਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਇਸ਼ ਫਰਦਾਰ ਰੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੇ ਰਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਸਭ ਫਤਰੀ ਵਰਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਸਤਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਆਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਫਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਦਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਦੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੱਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਣੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਹੈ ਤੁਸ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਅਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਕਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁਕਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟਾਕੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਸੱਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਪਾਸ ਸ਼ਰਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜੁੜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤੀ ਕਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੱਤੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਅਸਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਿਆ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਆਹ ਸੁਸਤੀ ਕਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਤਕਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਤਕਬਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਾਓ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁੱਥੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਚੈੱਕ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੋਟ ਫਿਰ ਕੋਲ ਉਸ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰੱਖੂਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਰਫਰ ਦਾ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ 26 ਤਾਰੀਖ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਫਤਾਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਾ ਤਦ ਕੋਣਾ ਕੋਰਟ ਸੋਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਨੇ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜਣਾ ਔਰ ਬਟਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰ ਸੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀ ਸੀ ਸਮਾਂ ਕਿ ਲੋਗ ਆਸਨ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਸੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਸੀ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ
मैं पिछले भाई ना सच्चा सच्चा नाम नहीं सच्चा उसने बात रखी ना हमारी कोशिश होने के थोड़े नाम ना क्योंकि कुछ भी नहीं करने के लिए तो सारे बड़े से काम दिए जो बड़े दिल से समझते हो मैं आपने जो भाई आज ना आजी साहब ना भाई असली ना साथ साथ ना मैं प्रसन्न साथ ना सारे ने शुक्रिया अदा करना है मीटिंग का व्यवहार करने क्योंकि लगता साथ में जो है आपने जो शुक्रिया अदा करना कोशिश करो कि पतली ताजी में से कितनी भीड़ मिला है ये लोग हमारा लक्ष्य ग्रहण के बारे में सोचते हैं अल्लाह ताला सब सहयोग करे।